हाईकोर्ट के सीपीएस को हटाने के फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। विपक्ष 6 सीपीएस को हटाए जाने के बाद प्रदेश सरकार पर हमलावर है। सीपीएस को हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का मन बना लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि इस फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर अपना पक्ष रखेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस दिवस पर मीडिया से मुखातिब हुए सीपीएस मुद्दे को लेकर के उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। तक तो आप बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के वर्डिक्ट की, तो हम कानूनी माहिरों से राय ले रहे हैं और आज मंत्रिमंडल में भी इस पे कंसल्टेशन हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट में जा ही रहे हैं, तो तमाम राय लेने के बाद इस पे फैसला होगा, क्योंकि ये लीगल बैटल है। तो जहाँ तक आप भाजपा का समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि भाजपा क्या करती है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमें ये मालूम है कि डे वन से भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार रास नहीं आ रही है और उनकी निरंतर कोशिशें रही हैं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को डिसलॉज किया जाए किसी भी तरह। तो पहले भी पॉलिटिकल बैटल हुई आपके सामने और चुनाव हुए और हमने अपने गवर्नमेंट को स्टेबल किया। अब हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का जो भी पॉलिटिकल आगे हमें अदालतों में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है वो डिस्कशन हुआ है और ज़ाहिर तौर पे हम सर्वोच्च अदालत में जाएंगे और वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे।